तीन घंटे के बाद ये ड्रॉप डाउन है। ये ये अभी रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, ये रहता है कोई एक हफ्ते तक रहती है प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये भी कंजक्टिवाइटिस ही है, ये बहुत हाई कंजक्टिवाइटिस है। नॉर्मल स्वाइन से हम बच्चों की वॉश करेंगे, आंखें जिसकी जरूरत है वॉश करने की, और जो हम एंटीबायोटिक ड्रॉप हॉस्पिटल की तरफ से दिया मतलब की जरूरत में एंटीबायोटिक ड्रॉप दे रहे हैं जिसको जरूरत है। बोलिए आ जाओ प्रोजेक्ट बी थ्री से। क्या नाम है तेरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हजरात हम तक पहुँचे हैं। मज़ीद ये कि हमारा हॉस्पिटल आने का जो मकसद है वो ये है कि आजकल एक वबाही बीमारी आशूब चश्म की चल रही है, यानी जिससे फौरी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द हो जाता है और आंखों के ऊपर सोजश आ जाती है, और उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि बंदा लेटा है, लेटने के बाद उठता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद होती हैं। तो ये एक बीमारी है, उसी के लिए मैं दारुल उलूम जामिया महमूदिया कासिम नगर तहसील मेंढर ज़िला पुंछ इदारे का एक उस्ताद हूँ, और मैं अपने मदरसे के तलबा को लेकर के यहाँ डॉक्टरों की टीम के पास आया हूँ। इनका इलाज इस वक्त हम करवा रहे हैं, और हम अपने ज़िला अस्पताल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये टीम वहाँ जाने के लिए तैयार थी, और फिर हमने कहा कि हम अपने तलबा जितने हमारे बीमार हैं इनकी जो जो बीमारी है हम उसको लेकर आप हजरात के पास ही पहुँचेंगे और आप वहीं उनका इलाज करवाएँ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी डॉक्टर हजरात लगे हुए हैं और इसके इलाज मुआलजे में सारे मसरूफ़ हैं। हाँ, ये लगभग कुछ तो वो बच्चे यानी कुल तादाद अभी तक लगभग 20-25 की थी, तो जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलबा का इलाज हुआ और वो ठीक हो गए, और अभी जो यहाँ आए हैं कम अज़ कम 15 बच्चे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलाज मुआलजे के बाद ये भी ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो आई फ्लू ना ये वायरल सिंड्रोम होता है, ये एक्चुअली होता है जो वायरल बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं उनसे ये होता है, इसका हम बोलते हैं पिंक आई। एक्चुअली जब ये किसी को होता है मैक्सिमम ये बच्चे ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं पर ज़्यादातर ये बच्चों को ये इफेक्ट करता है। इसमें हमें क्या खास ख्याल करना था, जब किसी को भी ये कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा इसको हम बोलते हैं वायरल ना, वायरल कंजक्टिवाइटिस, इसमें जो आँख है ना उस पर वो रेड या पिंक कलर बन जाएगा या रेड बन जाएगा, उसे हमें क्या खास ख्याल रखना है। अगर किसी बच्चे को वो हो जाएगा सपोज़ है, उसको सबसे पहले घर में जितना भी हो सके सेपरेट रखना है, उसके जो उनके घर फैमिली है ना उसके मतलब उसे आइसोलेट ही रखना चाहिए, वो ठीक है। दूसरा वो आप रेगुलर है ना जो होता है ना हैंडकरचीफ्स होते हैं या टिश्यू पेपर होते हैं उसे वो अपना ये साफ करें, ठीक है सर। और दूसरा है ना कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, और इम्पॉर्टेंट वो चीज़ भी है कि सनलाइट की तरफ नहीं उनको देखना चाहिए, उनको ज़्यादातर सर्जिकल ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, और घर में जो भी आई ड्रॉप होगा वो अननेसेसरी कोई ऐसे यूज़ नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया और अंदर से डिस्चार्ज हो रहा है उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, और डॉक्टर साहब उसको अपने हिसाब से उसको मतलब बेहतर रखे, क्योंकि यहाँ पर कितने केसेस आ रहे हैं, हमने देखा मदरसे के काफ़ी बच्चे भी हैं। एक्चुअली यहाँ पर केस ये 2-4 दिन से ये केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम मैंने अभी भी 5-10 केस कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर डिटेक्ट किए हैं, मगर अभी दिन ब दिन थोड़ा बहुत इनका ये ना रेशो बढ़ रहा है, मतलब पिछले 4-5 दिन से ये बढ़ रहा है कि रेशो,
इसमें क्या करना चाहिए हमें माहौल में, सबसे पहले जहाँ पर भी ये मच्छर होते हैं या जो रुका हुआ पानी होता है इनको बिल्कुल साफ़ करना चाहिए। जितना भी एनवायरनमेंट में ये गंद बंद है ये बिल्कुल साफ़ करना है। जितना हम हाइजीनिक रहेंगे उतना हम इसे इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।